देखिए आज हम लोग पटल का सब्जी लेकर आए हैं और ये देखिए हम लोग खोल दिए हैं पटल का सब्जी और आलू हम लोग मिलाए हुए हैं और इसको हम लोग चलाएँगे और ये देखिए पूरा सूख और ये देखिए आप लोग दिखा रहे हैं पटल आलू का सब्जी और ये देखिए चिपक रहा है। ये देखिए ये मसाले भुना रहे हैं, ये देख सकते हैं मसाले हम लोग अच्छे से भून लेते हैं। इस तरह से चार टुकड़ों में हम लोग इसको काट दिए, इस तरह से पटल को इस तरह से काटे, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं इस तरह से आप पटल को काटिए और इसको आलू को अच्छी तरह से छिलका हटा के और इसको अच्छी तरह से इसको भी बनाएं और इसको अच्छी तरह से धो लें और उसके बाद हम लोग इसमें सरसों का तेल डाले, उसमें जीरा डाले हैं और तेज़पत्ता का इस्तेमाल किए हैं और थोड़े एक दो कली मिर्चा का डाले हैं और मसाले को अच्छी तरह से हम लोग भून लिए हैं और भूनने के बाद हम लोग इसमें डाले हैं पटल को और आलू को और दोनों को हम लोग सब्ज़ी बना रहे हैं। आज देख सकते हैं बहुत ही चटपटा बनने वाला है, अच्छी तरह से हम लोग भूनेंगे, मसाला अच्छी तरह से भूनिएगा खाने में टेस्टी लगेगा, मसाला अच्छी तरह से भूनिएगा नहीं तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए अच्छी तरह से इसको हम लोग भूनते हैं पहले अच्छी तरह से। इस तरह से देखिए पटल को अच्छी तरह से हम लोग भून लेते हैं, अब मसाले को अच्छी तरह से हम लोग पूरा अच्छी तरह से भुना गया है, देख सकते हैं कलर पूरा चेंज हो गया है। अब हम लोग पटल आलू को इस तरह से अच्छी तरह से इसको हम लोग भूनेंगे, ये देख सकते हैं हम लोग अच्छी तरह से इसको पटल और आलू को अच्छी तरह से हम लोग भूनेंगे। ये देखिए चिपक भी रहा है, इसीलिए आप देखते रहना चलाते रहना पड़ता है, अगर आप थोड़ा सा इधर उधर ध्यान दिए और चिपक जाएगा तो सब्ज़ी पूरा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए आप इसको सब्ज़ी में थोड़ा ध्यान बनाए रखें और सब्ज़ी में हम लोग ध्यान देते रहते हैं और अच्छी तरह से इसको पकाने के लिए मसाले को अच्छी तरह से हम लोग पका लेते हैं और मसालों को हम लोग अच्छी तरह से पकाने के बाद इसको हम लोग पटल और आलू को अच्छी तरह से धो के और धो के इसको डाल दिए हैं और उसके बाद पटल आलू के साथ भी इसको अच्छी तरह से इस तरह से हम लोग फ्राई ये मसाले को अच्छी तरह से भून रहे हैं कि आलू भी पक जाए और मसाले भी, और हम लोग ढक के रखे थे, अब स्टार्टिंग में देखिए हम लोग ढक के रखे थे आलू पकने के लिए कि आलू पक जाए तो खाने में टेस्टी लगे और आलू पकेगा नहीं तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मसाले भी पक जा रहे थे और आलू भी अच्छी तरह से पक जाए, इसीलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से इस तरह से हम लोग इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं और ये देखिए बहुत जल्दी चिपक जाता है तो हम लोग इसको अच्छी तरह से पूरा चार इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से इसको जो चिपक गया है उसको हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से इसको ये अच्छा से भुनेंगे, इसको हम लोग इस तरह से अच्छी तरह से पूरा नीचे जो चिपका हुआ है उसको हटा लेते हैं इस तरह से और इसको फिर से हम लोग उसको भुनेंगे, इस तरह से हम लोग उसको हटा लिए और उसको अच्छी तरह से हम लोग भुनेंगे और इसके साथ हम लोग क्या बनाए वो भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसके साथ हम लोग देखिए चावल भी बनाए हैं, ये देखिए पूरा गर्मा गर्म चावल आपको दिख रहा होगा, पूरा गर्मा गर्म चावल है, चावल ही बन के हम लोग रेडी है, उसके साथ हम लोग दाल भी बनाए हैं वो भी दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए उसके साथ हम लोग दाल भी बनाए हैं, ये देखिए इसमें हम छौंका मारे हैं, ये देख सकते हैं छौंका मारे हैं जीरा और थोड़ा सा सरसों तेल डाले हैं, उसमें जीरा और थोड़ा सा मिर्चा डाले हैं एक कल एक दो कली और इसको अच्छी तरह से छौंका मार दिए हैं कलछुल की सहायता से और इसको हम लोग डाल दिए दाल में, छौंका मार दिए हैं कि टेस्ट अच्छा है और उसका सुगंध भी अच्छा है, छौंका मारने से उसका खुशबू थोड़ा अच्छा आता है, जो नॉर्मल दाल रहता है छौंका वाला दाल रहता है उसमें थोड़ा टेस्ट अलग रहता है, उसमें जीरा का खुशबू आ जाता है और मिर्चा का खुशबू आ जाता है तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। और ये देखिए पटल का सब्ज़ी को हम लोग अच्छी तरह से इसको भून देते हैं, ये देखिए चिपकने लगता है, तुरंत चिपकने लगता है, इसीलिए इसको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, इस तरह से हम लोग इसको अच्छी तरह से इसको चिपक जा रहा है, इसको अच्छी तरह से हम लोग इस तरह से चलाएंगे और मसाले अच्छी तरह से बन जाएंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको सब्ज़ी या थोड़ा सा लसपस वाला सब्ज़ी बनाएंगे जो चटपटा और खाने में थोड़ा अच्छा लगे, आप चावल या रोटी दोनों साथ खा सकते हैं, इस तरह से बनाएंगे हम लोग हल्का ये क्या बोलते हैं उसको लसपस जैसा बनाएंगे, ज़्यादा तरी भी नहीं और ज़्यादा सूखा भी नहीं, एकदम पूरा एकदम खाने में लगे कि हाँ क्या ग्रेवी, मतलब ग्रेवी ज़्यादा नहीं बनाना, बस लसपस बनाना है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक लगे, जो कटोरी में परोसेंगे तो खाने में लगेगा कि हाँ क्या परोसे हैं और बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में, इसीलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से इसको पहले भून लेते हैं, मसाला भी भून गया आलू पका के नहीं वो भी देख लेते हैं, हाँ आलू पक गया है, बस आलू भी पक के तैयार हो गया है, आलू भी पक गया है, मसाला भी भून गया है, अब हम लोग सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है, अब थोड़ा सा हम लोग उसमें पानी डालेंगे
और इसको हम ग्रेवी बनाएंगे थोड़े से हल्के हल्के, थोड़े से लसपस बनाएंगे और इसको थोड़ा सा और मसाला थोड़ा भुने, जितना अच्छा सा भुनिएगा उतना खाने में टेस्ट लगेगा। इसीलिए हम लोग पटल को अच्छी तरह से हम लोग भून लेते हैं जो खाने में टेस्टी और अच्छा लगे, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह से इसको भुने। ये दे सकते हैं पटल और आलू का दोनों का टेस्ट आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ही सुंदर दिख रहा होगा आप लोगों को। अब इसको हम लोग में थोड़े से पानी डाल देंगे और हम लोग बन के रेडी हो जाएगा। बस थोड़े से डालेंगे बस इतना से ज़्यादा डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से हम लोग थोड़ा सा और पकने देंगे, अब मसाले को थोड़ा सा करने उबलने देंगे और हम लोग बन के तैयार हो जाएगा बटर का सब्जी इस तरह से। अब हम लोग कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ, कल नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ मिलते हैं। और हम आज के लिए कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं।